Dr. Ankita Baidi, consultant in infectious diseases at Manipal, New Delhi. So on the occasion of World TB Day today, I'll be talking about tuberculosis. अगर हम टीबी की बात करें so it's a leading cause of mortality globally. So टीबी का बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम tuberculosis, इसको हम हमेशा लंग के इन्फेक्शन से ही रिलेट करते हैं कि जो टीबी का इन्फेक्शन है वो लंग का इन्फेक्शन है. बट टीबी का बैक्टीरिया वर्चुअली किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है आपके बॉडी में, आपकी आंखों को, इंटेस्टाइन को, बोन को, किडनी को, ब्रेन को, किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है. और जो उसके लक्षण होते हैं ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट है और जो डिजीज़ हुआ है. सो अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें, इसमें जो लंग्स की टीबी होती है उसमें ज़्यादातर लोगों को हल्का बुखार आता है जो शाम के समय नोटिस होता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर इसको कहते हैं. खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है जिसमें कभी कभी खून भी आ जाता है. भूख कम लगना, वजन गिरना, एक आम लक्षण है टीबी के अगर वो लंग्स की टीबी है. बट कभी कभी जो दूसरे ऑर्गन्स की टीबी होती है उसमें क्लासिकल लक्षण जो होते हैं टीबी के कि बुखार, वजन गिरना या खांसी, इस टाइप के लक्षण नहीं भी होते हैं, तो ये काफ़ी कॉमनली मिस हो जाते हैं. इसके लिए आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है. अगर कोई ऐसी परेशानी है जो काफ़ी क्रोनिक हो चुकी है, काफ़ी समय से आप परेशान हैं किसी चीज़ से, सो अपनी स्क्रीनिंग कराएं. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंट्री है अभी टीबी का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, इंक्लूडिंग लेटेंट टीबी. सो इस केस में अगर आपका जो भी ऑर्गन इन्फेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको टेस्ट करते हैं. हम वी हैव द फैसिलिटी टू टेस्ट फॉर बोथ ड्रग सेंसिटिव एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स क्या है आपकी, आपको किस तरह का टीबी है, हम रेजिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो एक कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है. क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप करता है, और जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है ये अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडलाइन सेलेक्ट करता है. साथ ही साथ चूँकि ये जो बीमारी है इसका इलाज लंबा चलता है तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं दवाइयों के, जिसे हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके रेजिमेन को ऑप्टिमाइज करते हैं. सो इस चीज़ को जानते हैं तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टीबी जो है वो किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है. इट इज़ नॉट ओनली द लंग्स, टीबी कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन एंड कॉज डिजीज इन एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. सिम्टम्स जो होते हैं मोस्टली उससे रिलेटेड होते हैं कि कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन है, और उसकी जांच हम अकॉर्डिंगली करते हैं. जो भी पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस आता है उसका, कौन सी दवाई बेस्ट काम करेगी उसमें, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है जो नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है. साइड इफेक्ट मॉनिटर करते हैं हम उसके, ताकि जो आपका ट्रीटमेंट आउटकम हो वो बेस्ट हो, बेस्ट रिकवरी करें विथ लीस्ट साइड इफेक्ट. फर्दर कोई भी क्वेरीज अगर आपको है रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस, you can come to Manipal Hospital and here the Department of Infectious Diseases will be happy to answer your queries.